बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चा लोग? आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बच्चा लोगों के लिए बहुत ही यमी, हेल्दी, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ कैल्शियम और फुल ऑफ हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स से बना हुआ हेल्दी सीरेलैक। और बाज़ार में जो सीरेलैक मिल रहा है नेस्ले वालों का, आपको पता है कि वो बाहर के ममालिक में बैन हो चुका है। उसकी वजह यह है कि उसमें उन्होंने 70% शुगर ऐड की हुई है, जिससे बच्चों में ज़्यादतीस यानी कि शुगर होने के बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। इसलिए वो बाहर के मुल्कों में बैन हो गया है। बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो बाज़ारी सीरेलैक है वो देना बंद करें, कोई मजबूरी हो तो दें। मैं घर में आपको बहुत हेल्दी सीरेलैक की रेसिपीज, प्रोटीन पाउडर, एनर्जी लड्डू हर चीज़ शेयर करने वाली हूँ वन बाय वन करके। तो जब मैंने आपके साथ शेयर की थी नो कुक सीरेलैक की रेसिपी, आपने बहुत पसंद की, बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि आप ही हमें और ज़्यादा सीरेलैक की वेराइटी सिखाएँ। तो आज एक और वेराइटी सीरेलैक की लेकर आई हूँ। इसको किस तरह स्टोर करना है, कितने दिन तक करना है, किस एज के बच्चे खा सकते हैं, सब बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं, सीरेलैक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने ले लेने हैं इंस्टेंट ओट्स, और ये इस तरीके से चपटे होते हैं, ये देखें आप, ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं और बहुत जल्दी जो है बच्चों के मैदे के लिए हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स का काम करते हैं। तलबीना भी इसी से रेडी होता है। बच्चों में ताकत के लिए, वेट गेन के लिए बहुत हेल्दी और सुपर फूड कहलाता है ये, हमारे पाकिस्तान में भी और बाहर के ममालिक में भी। तो ये अब आप पूछेंगे अब मैंने कौन सा लिया है, तो मैंने यहाँ पर ये लिया है पाकिस्तान में ही जो मिलते हैं फौजी वालों के बार्ले पोरेज, ये मैंने लिए हैं। और इनको ही आप तलबीना में भी यूज़ कर सकते हैं, तलबीना की भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने इंस्टेंट ओट्स लिए हैं और ये बहुत जल्दी कुक होते हैं, ये इस तरीके से इसमें होते हैं। ये मैंने ले लिया एक कप भर के, और साथ ही मैंने लिया है पफ्ड राइस। ये भी आपको किसी अच्छे जहाँ पर ड्राई फ्रूट वगैरह मिलते हैं वहाँ पर आपको मिल जाते हैं, पैकेट में भी आजकल अवेलेबल हैं। तो ये भी आपने ले लेने हैं एक कप भरकर, दोनों की क्वांटिटी सेम जाएगी। तीसरी चीज़ है यहाँ पर फूल मखाना। फूल मखाना जो है इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, तो ये आपने लेना है आधा कप। साथ ही जाएंगे आलमंड। आलमंड में जो है हेल्दी फैट्स है, विटामिन ई है, बच्चों की स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है। तो नट्स जो है थोड़े बहुत ज़रूर आप ऐड किया करें बच्चों के सीरेलैक में। तो यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन एक कप का चौथाई हिस्सा जो है आलमंड्स आए हैं। पहले सीरेलैक को बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में आपने बारी बारी हर चीज़ को एक से डेढ़ मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पर बस आपने एक से दो मिनट ही ड्राई रोस्ट करना है। जब ये हल्के से ड्राई रोस्ट हो जाए, इनमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, तो आपने इनको ठंडा करने के बाद जो है इनको पीसना है। आप वन बाय वन करके इनको ड्राई रोस्ट करें, कुछ का ज़्यादा टाइम होता है, कुछ का कम होता है, तो बारी बारी करके आप इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लें। पफ्ड राइस हों या दूसरे राइस हों, दोनों में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो बच्चों के वेट गेन में बहुत हेल्प करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि चावल जो हैं मोटा करते हैं और अक्सर लोग डाइट के दौरान छोड़ देते हैं, तो ये बच्चों के वेट गेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको जो है ये ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, इसको हल्का सा आपने जो है सोटे कर लेना है। फूल मखाना में भी हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत आला किरदार अदा करता है। तो ये बच्चे हों या बड़े हों जिनमें कैल्शियम की कमी हो, हड्डियों की मजबूती के लिए लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें, बच्चों की डाइट में ऐड करें। इसको भी यहाँ पर एक मिनट ही मैंने जो है ड्राई रोस्ट। आलमंड्स में भी बहुत ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है, हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, बच्चों के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है, बच्चों के वेट गेन के लिए और मेंटली हेल्थ और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो बच्चों के डाइट में थोड़े बहुत जो है बादाम आप लाजमी ऐड करें। चारों चीज़ें ड्राई रोस्ट हो गई हैं, अब जो है इन्हें ठंडा करने के बाद आपने वन बाय वन करके मिक्सी जार में डालकर इनको अच्छे तरीके से इनका पाउडर बना लें।
पीस लेने के बाद आपने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। आपका बच्चा अगर मीठा पसंद करता है तो आप पकाते टाइम उसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं। बच्चे को मीठा ही पसंद है, आपको पता है कि वो मीठा ही खाता है, तो आप इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं, जो गुड़ से बनी होती है शक्कर वो ऐड कर सकते हैं। उसके इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं जितने चीनी के हैं। चीनी से बच्चों में गले के और डायबिटीज़ के बहुत से मसले देखने में आ रहे हैं, तो आपने वो नहीं ऐड करना बिल्कुल भी। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप इसमें ऐड करें मिश्री। मिश्री जो है ये किसी भी पंसारी से या जो ड्राई फ्रूट शॉप होती है वहाँ से मिल जाती है। डलों की सूरत में धागे वाली आप मिश्री ले लें, इसको जो है आप पीस कर इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइट सा मीठा हो जाएगा अगर आपका बच्चा मीठा पसंद करता है। मैंने शक्कर या मिश्री इसलिए नहीं ऐड की कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल फीका पसंद करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो एक चुटकी नमक डाल के पसंद करते हैं, कुछ बच्चों को मीठा पसंद होता है। तो जिनको पसंद होता है उनके लिए आप पहले भी शक्कर थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, इसमें 1/4 कप जो है शक्कर का ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। मिश्री भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको देने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। आपने पैन में दूध गर्म करना है या पानी गर्म करना है, उसमें आपने 1 या 2 चम्मच जितना आपका बच्चा खाता है आपने डालना है। 5 से 7 मिनट कुक करना है और सेरेलैक रेडी हो जाएगा, आप बच्चों को खिला सकती हैं। इजी होममेड सेरेलैक है, इसको आप एयरटाइट कंटेनर में, जार में, किसी शीशे की बॉटल में आप महफूज करके रख लें 20 दिन के लिए। 20 दिन के बाद आप फिर न्यू सेरेलैक रेडी कर लें बच्चों के लिए। वैसे ये 1 महीने के लिए भी अगर पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। पर आ जाती है सेरेलैक ये वाला जो है ये हम किस एज से बच्चों को दे सकते हैं, तो ये जो सेरेलैक है 6 मंथ से जो अबव बच्चे हैं उनको दिया जा सकता है। पानी में दे सकते हैं, दूध में दे सकते हैं, थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है इसको। कोई भी अच्छा जो एयर टाइट कंटेनर हो, जार हो, उसमें महफूज करके रख सकते हैं।